खरगोन जिले में नगरपालिका सफाई कर्मी अध्यक्ष पद का मामला गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्व में भी अध्यक्ष पद के लिए जमकर विवाद उत्पन्न हुआ था। इसी के चलते रविवार को फिर एक बार मामले ने तूल पकड़ा है। रविवार को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मगन झंझोर सहित कई प्रतिनिधि खरगोन पहुंचे हैं। इस दौरान शाकिर हुसैन ने अध्यक्ष पद समस्या को लेकर अपनी बात रखी। इस बात को लेकर प्रदेश अध्यक्ष श्री झंझोट नगर पालिका टाउन हॉल भी पहुंचे और अध्यक्ष पद को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि संभाग कार्यवाहक अध्यक्ष का पद है और दूसरा शहर अध्यक्ष का पद है। दोनों की चिट्ठी उछालते हैं और उन्हें वो पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्रदेश अध्यक्ष वहां से चल दिए और अंत में अध्यक्ष रफीक खान को ही अध्यक्ष मानकर स्वागत किया। शहर अध्यक्ष रफीक खान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए आए थे और उन्होंने चुनाव कराना था, वह बिना चुनाव के ही चल दिए। लिहाजा झंझोट ने यूनियन एकता को सर्वोपरि बताते हुए सफाई मजदूर हित में 17 सूत्री मांगों को लेकर देश प्रदेश स्तर तक शंखनाद करने का दावा किया है। नगर पालिका सफाई मजदूर संघ भी यूनियन के माध्यम से अपना हक पाने की तैयारी में दिख रहा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। तरीके का है हमारे यहाँ, यदि हम चुनाव कराते हैं तो वहाँ कराते हैं, यहाँ विवाद होता है। अब यहाँ विवाद है तो मैं कलेक्टर को बोलना पड़ेगा, संचालक को बोलना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को बोलना पड़ेगा, मुझे SP को बोलना पड़ेगा, फिर वो जो कर्मचारी सफाईदार हैं वो सदस्य बनेंगे मेरे 10 रुपये प्रति माह और 120 रुपये साल भर के। फिर वो वोट वोटर लिस्ट बनेगी, वो ही वोट डालेंगे। जो प्रत्याशी होंगे मैं उनको फॉर्म दूंगा, फॉर्म बनने के बाद वो अपना फॉर्म भरेंगे, फिर उनके चिन्हित दो निशान दूंगा जिस पर कर्मचारी सील लगाएंगे, मेरे परिवारी आएंगे वहाँ से। ये सब व्यवस्थाएँ जमाने में टाइम लग जाएगा और टाइम लगेगा तो मैं 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय आह्वान पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर, चरण सिंह ठाकुर जी के जो ठेका पड़ता और अन्य माते जो हमारी शिक्षा से लेके नियमितीकरण को लेके और स्थायीकरण शिक्षा को लेके मकान को लेके 17 सूत्री मांगे जो हमने पूर्व में 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री के नाम पूरे हिंदुस्तान से दिया था, उसी बातों को लेके पुनः हम 2 अक्टूबर को फिर वो संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि हमने दिल्ली जंतर मंतर पे वहाँ पे प्रधानमंत्री के यहाँ पूरे हिंदुस्तान से सफाईदारों का चरण सिंह जी के नेतृत्व में हम जाना चाह रहे थे, लेकिन CBI इंटेलिजेंस रिपोर्ट 4.5 लाख की आई तो उन्होंने हमें मना कर दिया, 100 लोग की परमिशन दी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आह्वान है कि सभी स्टेटों से पुनः एक बार ये आवेदन दिया जाए पुनः प्रधानमंत्री के नाम 17 सूत्री मांग का। अब रही बात जहाँ की, तो मैंने कह दिया है कि एक संभाग पद, संभाग के अंदर मेरा एक पद खाली है कार्यवाहक अध्यक्ष का और एक शहर अध्यक्ष पे विवाद है, दो जने हैं महबूब खान और रफीक खान। इस तरह की गतिविधि होगी तो मैं संगठन के जो भी जिला इकाइयाँ या शहर है भंग कर दूँगा या डालूंगा ही। मेरे 52 जिलों में से एक जिला रह जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, इतना ही कहना मैं चाहता हूँ आपको। जय हिंद। प्रदेश अध्यक्ष मगन झांझोट में हूँ और ये बहुत बड़ा संगठन है अखिल भारत सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय चरण सिंह टांक साहब हैं और ये बहुत बड़ा बट वृक्ष और हिंदुस्तान के अंदर इसकी जड़ें फैली और टहनी पत्ते पौधे हम सब 52 जिले और 374 नगर पालिकाएँ हमारे नगर पंचायतें हैं उनमें हमारी इकाइयाँ काम करती हैं। और ये मेरे पूर्वों से पहले जो भी अध्यक्ष रहे हैं उनके साथ ये पूरी हेला समाज जो भी यहाँ हैं वो पूरी खरगोन से लेकर जितने संभाग जिला तहसीलों में है इनका बड़ा योगदान है, इनका बहुत सहयोग है, इनके बुजुर्गों का, इनके आने वाली पीढ़ी का भी है। लेकिन विवाद एक शेर अध्यक्ष के पद को लेकर है जिसको मैं एक दूसरी बार यहाँ आया हूँ। मेरा इनसे निवेदन ये है कि यदि आप, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।